करके गाड़ी नहीं चला सकती हो, धक्का मार दी। मेरी कोई गलती नहीं है भैया, ये खुद मेरी गाड़ी के सामने आ गए थे। हाँ लड़की सही कह रही है, ये लड़का लापरवाही से सड़क पार कर रहा था। आसपास कोई अस्पताल है? हाँ थोड़ी दूर पर बोरिंग रोड में है। प्लीज प्लीज आप लोग इन्हें मेरी गाड़ी में बिठा दीजिए, मैं इनका अस्पताल में इलाज करवा दूंगी। उठाइए। हाँ हाँ चलो उठाओ। आखिर फोन क्यों नहीं उठा रहे हैं? इन्होंने तो कहा था कि हमेशा फोन चालू रखेंगे, फिर कहीं बात तो नहीं हो गई ना? नहीं नहीं मैं बेवजह उल्टा सीधा सोच रही हूँ, ये जरूर किसी काम में उलझ गए होंगे। एक बार फिर फोन करके देखती हूँ। रक्षा करना, ये जहां भी हो ठीक से हो। बहुत आराम मिलेगा, उठिए। मुझे यहाँ अपने घर में क्यों ले आई हैं? गलती आपकी तो नहीं थी, मेरी ही थी। गलती किसी की भी थी, लेकिन चोट तो आपको ही लगी थी ना, फिर मैं कैसे सड़क पर छोड़ देती? पहले मैंने सोचा कि अस्पताल में ले चलूं, फिर सोचा कि अस्पताल में वो लोग 10 तरह के सवाल पूछेंगे, कहाँ एक्सीडेंट हुआ, कहाँ चोट लगी, किसने एक्सीडेंट किया, पुलिस को बताना पड़ेगा वगैरह वगैरह। इसीलिए मैं आपको यहाँ घर ले आई और खुद पट्टी वट्टी कर दिया। क्या हुआ, ऐसे क्या देख रहे हैं? मैंने कोई गलत काम कर दिया क्या? अरे भाई जब चोट मैंने ही लगाया था तो इलाज कौन करेगा, मैं ही ना। फिर भी आप पुलिस में रिपोर्ट लिखवाना चाहते हैं? अरे नहीं नहीं मैं ऐसा कुछ भी नहीं सोच रहा, मैं तो बस ये देख रहा हूँ कि आपका दिल कितना अच्छा है, कितनी भली लड़की हैं आप। हाँ वो तो है, पर आप मुझे बार बार आप मत कहिए, लगता है जैसे मैं आपकी दादी अम्मा हो गई हूँ, आप मुझे तू कहिए, मैं बहुत छोटी हूँ भाई। भाई? तुमने मुझे भाई कहा? हाँ क्या ये भी कोई जुर्म है? अरे नहीं नहीं मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरी कोई छोटी बहन नहीं थी पर अब से हो गई, तुम मेरी छोटी बहन बनोगी? हाँ
क्यों नहीं, मेरा भी कोई भाई नहीं है। आज से आप मेरे भाई। पर एक बात जान लीजिए, भाई की जिम्मेदारी भी निभानी पड़ेगी। बहन की रक्षा करना हर भाई का फर्ज होता है। जानता हूँ। हिमानी, कौन है ये? किसे तुम घर ले आई? मम्मी, ये नाम तो मैंने पूछा ही नहीं। भाई साहब, अपना नाम बताइए। सम्राट। हाँ मम्मी, ये सम्राट है। मेरी गाड़ी से इनका एक्सीडेंट हो गया था, ये बेहोश हो गए थे, इसीलिए मैं इन्हें घर लेकर आई और पट्टी कर दिया। प्रणाम माँ जी। खुश रहो। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि गाड़ी मत चलाया करो, पर तुम्हारे कान में जूं तक नहीं रेंगता। देखो क्या कर दिया, बेचारे को थोड़ी ही चोट लगी है, अगर कहीं कुछ हो जाता तो। सारी गलती तुम्हारे बाबूजी की है, ना वो तुम्हें गाड़ी खरीद कर देते, ना तुम रोज एक्सीडेंट करती। बिगाड़ कर रख दिया है उन्होंने तुम्हें। हो गया, डांट लिया, अब खुशखबरी सुनिए। आज से ये मेरे भैया बन गए हैं और मैं इनकी छोटी बहन। इधर आओ। बेटा, इसकी तरफ से मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। बड़ी हो गई है लेकिन बचपना नहीं गया है इसका। नहीं माँ जी, इसकी कोई गलती नहीं है, मैं ही लापरवाही से सड़क पार कर रहा था। और फिर आप तो मेरी माँ समान हैं, आप मुझसे माफी मांगकर मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। बेटा, किस मोहल्ले में घर है तुम्हारा और कौन कौन है घर में? माँ जी, मैं इस शहर में नया हूँ, कुछ खास काम से आया हूँ। ओह, तो दो चार दिन तो रुकोगे ही? कह नहीं सकता, हो सकता है काफी समय तक रुकना पड़े, इसीलिए इसी शहर में नौकरी भी ढूंढ रहा हूँ। ये अच्छा है, भगवान करे आपको ऐसी नौकरी मिले कि आपका ट्रांसफर कभी ना हो, नहीं तो नौकरी में जिसको भी देखो उसी का ट्रांसफर हो जाता है। मेरे साथ नहीं होगा, मैं प्राइवेट नौकरी ढूंढ रहा हूँ। कैसी नौकरी बेटा? माँ जी, मैं कंप्यूटर इंजीनियर हूँ, किसी ना किसी कंपनी में नौकरी तो मिल ही जाएगी। बेटा, इस अनजान शहर में अपने आप को कभी अकेला मत समझना, कभी भी किसी चीज की जरूरत हो तो निसंकोच मुझे बोल देना। जी माँ जी, एक बात कहूँ, आपसे बात करके बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि मैं अपनी माँ से बात कर रहा हूँ। अरे बेटा, मैं तुम्हारी माँ जैसी ही हूँ, जब मन करे घर पर चले आना, संकोच बिल्कुल मत करना। जी, अब मैं चलता हूँ। भैया, अपना फोन नंबर मुझे दे दीजिए, मुझे कोई काम रहेगा तो मैं फोन करके बुला लूंगी। हिमानी, ये मेरे भैया है, तो क्या मैं फोन करके भी नहीं बुला सकती? जरूर बुला सकती हूँ, लिखो मेरा नंबर। एक मिनट, बताइए। 9820101710। प्रणाम। बाजार लगेगा, वहाँ से बढ़ई को पकड़ कर ले आइए, कुछ काम करवाना है। क्या काम है बताओ, मैं ही कर दूंगा। अरे वाह, आज तो सूरज पश्चिम से निकल गया, मुझे नौटंकी दिखाने वाला मर खुद ही काम करने की बात कर रहा।
अरे नहीं, रहने दो। सूरज को पश्चिम से निकालोगी तो धरती ही गोल घूम जाएगी। मैं जाकर बढ़ई को बुला कर ले आता हूँ। क्या है माँ, बढ़ई को क्यों बुलवा रही हो? वो चौखट माँ, गजब हो गया माँ। माँ वो भाभी, अरे क्या हुआ तुम्हारी भाभी को, ऊपर चली गई क्या? नहीं माँ, भाभी भाग गई। ये देखो चिट्ठी लिखकर गई है। चिट्ठी? ये चिट्ठी लिखकर जाने का क्या मतलब हुआ? देखूं क्या लिखी है। पति परमेश्वर को चरण स्पर्श। आप भले ही मुझे अपनी पत्नी मत मानिए, पर मैं हमेशा आपको पति मानूंगी और आपकी खुशी चाहूंगी। मैं जानती हूं कि आप मुझसे खुश नहीं रहते हैं, मेरी वजह से आपको समाज में नजर झुकानी पड़ती है, इसीलिए मैं बहुत सोच समझकर ये घर छोड़कर जा रही हूं। मुझे कोई भी ढूंढने की कोशिश ना करे, अब मैं किसी को नहीं मिलूंगी। आरती, अभी और कुछ लिखा है। मेरे जाने की वजह किसी की कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, इसलिए मेरे घर वालों को बिल्कुल परेशान ना किया जाए। बाबूजी, मुझे माफ कर दीजिएगा। बहू, तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए था। खुशी बनाओ तुम लोग, घी के दिए जलाओ, यही चाहती थी ना तुम लोग। अरे जाओ गांव में मिठाई बांटो, कह दो सबसे कि मेरी बहू भाग गई है, मुझे भी दे दो 150। ठेके पर जाकर अंग्रेजी शराब पीऊंगा, खुशी बनाऊंगा। दीपक से ज्यादा दोष तुम्हारा है, तुमने उसका जीना हराम कर दिया था। ताना मार मार कर बेचारी को अचार की तरह सुखा दिया था, अब भुगतो। मैं क्यों भुगतूंगी, कोई मैंने भगाया है क्या उसको? हाँ हाँ, तुमने ही भगाया है। अरे तुमने ही बेटे को सिखा पढ़ा दिया और बेटा अपनी पत्नी पर अत्याचार करने लगा। अरे क्या करती वो बेचारी, हाँ कितना अत्याचार बर्दाश्त करती वो तुम लोगों का। अब देखना क्या होता है। अरे बहू के घर वालों को पता चलेगा ना तो पुलिस में जरूर रिपोर्ट करेंगे, उसके बाद पूरे गांव समाज में हमारी फजीहत होगी। अरे अरे सब लोग फंसेंगे। हाँ